भाद्रपद महीने में बादलों ने बरसकर गाया राग मल्हार। सुबह से लेकर दोपहर तक हुई बरसात के बाद मौसम हुआ खुशनुमा। कायाकल्प योजना के तहत राजसमंद चिकित्सालय की टीम ने किया एकेज का निरीक्षण। विभिन्न वार्डों सहित रोगी सेवाओं का बारीकी से किया अवलोकन। शहर में सुविधाओं के नाम पर डाली गई सीवरेज लाइन को लेकर खोदी गई सड़कें। लाइन डालने के बाद भी अब तक दुरुस्त नहीं हुई क्षतिग्रस्त सड़कें। और रिश्वत प्रकरण में गिरफ्तार सभापति को डीएलबी ने किया निलंबित। 21 दिन बाद शशिबाला सोलंकी की कार्यवाहक सभापति के पद पर हुई ताजपोशी। नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सावन माह की समाप्ति में भाद्रपद माह की शुरुआत पर बुधवार को बादलों ने प्रातःकालीन बेला में बरसना शुरू कर राग मल्हार गाया। बुधवार को प्रातः हल्की फुहारों के साथ शुरू हुई बरसात सुबह 7:30 बजते बजते बूंदाबांदी तथा बाद में तेज बरसात में तब्दील हो गई। सुबह सुबह शुरू हुई बरसात के कारण शहर की सड़कों पर पानी बहने लगा तथा विगत दो दिनों से गर्मी की मार सह रहे शहरवासियों को बरसात के बाद खुशनुमा हुए मौसम से निजात मिली। प्रदेश में विगत दो दिन से पुनः सक्रिय हुए मानसून के कारण कई जिलों व उपखंडों में बरसात के समाचार है, लेकिन ब्यावर शहर में विगत दो दिनों से गर्मी के कारण एक बार फिर से लोगों के हाल बेहाल हो गए। दो दिनों में गर्मी का प्रकोप इतना बढ़ गया कि लोगों का दिन के समय बाजारों में निकलना ही मुश्किल हो गया। मंगलवार शाम को हल्की फुहारें जरूर शुरू हुई, लेकिन बादल बरसे नहीं। रात भर आसमान में काले बादल छाए रहे, लेकिन मौसम में बरसात के प्रति बेरुखी ही रही। बुधवार सुबह प्रातः 7 बजे करीब हल्की फुहारों के साथ बरसात का आगाज हुआ, जिसके बाद तेज और तेज होती गई और 8 बजे बाद बरसात ने रफ्तार पकड़ ली। सुबह सुबह हुई बरसात के कारण स्कूल जाने वाले बच्चों तथा उनके अभिभावकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। अभिभावक अपने बच्चों को भीगने से बचाते हुए स्कूल या फिर स्कूल बस तक छोड़ते हुए दिखाई दिए। उधर सरकारी व निजी ऑफिसों में पहुंचने वाले कर्मचारियों को भी ड्यूटी पर जाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसी प्रकार सीवरेज लाइन डालने के दौरान खोदी गई शहर की सड़कों पर बने गड्ढों के कारण भी आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई गली मोहल्लों में पानी निकासी के अभाव में पानी भर गया, जिसके चलते क्षेत्रवासियों का घरों से निकलना भी दूभर हो गया। सरकारी चिकित्सालयों में रोगी सेवा सहित अन्य व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए चलाई जा रही कायाकल्प योजना के तहत बुधवार को राजकीय चिकित्सालय राजसमंद की टीम ने एकेज का निरीक्षण किया। राजसमंद राजकीय चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर नरेंद्र कुमार पालीवाल के सानिध्य में एकेज पहुंची टीम ने सबसे पहले मदर चाइल्ड विंग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गायनिक वार्ड तथा शिशु नर्सरी का बारीकी से अवलोकन करते हुए व्यवस्थाओं को लेकर नर्सिंग कर्मियों से बातचीत करते हुए इन्हें व्यवस्थाओं में सुधार लेने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके पश्चात एकेज के इंडोर आउटडोर भर्ती काउंटर, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना काउंटर, इंजेक्शन रूम तथा प्राथमिक चिकित्सा कक्ष, एमटीसी सेंटर आदि का निरीक्षण करते हुए रोगियों को मिलने वाली सुविधाओं के अलावा भवन, चार दीवारी तथा साफ सफाई व्यवस्था का अवलोकन किया। इस दौरान टीम के सदस्यों ने करीब 600 से अधिक बिंदुओं पर एकेज की मार्किंग की। राजसमंद से आई निरीक्षण टीम में हेल्थ मैनेजर डॉक्टर ज्योति मीणा तथा नर्सिंग अधीक्षक डॉक्टर नंदलाल पालीवाल शामिल थे। निरीक्षण के दौरान राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय के उपनियंत्रक डॉक्टर एम के अग्रवाल, डॉक्टर मुकुल राजवंशी, हेल्थ मैनेजर सिद्धांत जोशी, नर्सिंग अधीक्षक चंद्रवीर सिंह अखावा तथा कायाकल्प योजना सहायक कुलदीप शर्मा आदि उपस्थित रहे। निरीक्षण के पश्चात टीम मैनेजर डॉक्टर नरेंद्र कुमार पालीवाल ने बताया कि एकेज की सभी व्यवस्थाएं व्यवस्थित पाई गई है। जहां पर सुधार की कोई गुंजाइश पाई गई, उसके लिए संबंधित कर्मचारी को निर्देशित किया गया है। करीब 600 बिंदुओं पर मार्किंग की गई है। जयपुर मुख्यालय को इसकी रिपोर्ट भेज दी जाएगी। इसके बाद ही प्रदेश भर के अस्पतालों की रेटिंग की जाएगी।
आर के हॉस्पिटल राजसमंद से यहाँ पर कायाकल्प के प्रोग्राम के तहत पीयर असेसमेंट के लिए आए हैं और हम इस अस्पताल में घूम के अस्पताल का सारा सिस्टम देखेंगे, जिसमें इनका ऑफिस स्ट्रक्चर से लेके SNCU है, लेबर रूम है, मेन बिल्डिंग है, सारी चीज़ जिसमें साफ़ सफाई से लेके इनका वर्किंग सिस्टम जो है वो सारी चीज़ इंक्लूडेड होगी और इसकी पीयर असेसमेंट रिपोर्ट जो है फाइनल बनेगी, जिसमें अस्पताल का बाहर का वातावरण, उनकी बाउंड्री के बाहर कैसा वातावरण है, सारी चीज़ इंक्लूडेड होगी और इसकी रिपोर्ट जो है इंटरनल रिपोर्ट हमारे नोडल ऑफिसर जो जयपुर में हैं डॉक्टर जायसवाल उनके पास जाएगी। सदर थाना क्षेत्र के झागबाड़िया बानोला में बुधवार सुबह घर के बाहर से गुजर रही विद्युत लाइन के ट्रांसफार्मर में अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट के कारण आसपास के घरों में करंट प्रवाहित हो गया। हादसे के दौरान पास ही में स्थित एक घर में खेल रहे 3 मासूम भाई बहन झुलस गए। घटना के बाद परिजनों ने 3 बच्चों को उपचार के लिए राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय लाकर भर्ती करवाया है। बानोला निवासी गुलाब सिंह ने बताया कि बुधवार सुबह असलम काठात का पुत्र अमजद तथा 2 पुत्रिया सनम तथा मुस्कान घर में खेल रही थी। उसने बताया कि इस दौरान घर के बाहर से निकल रही 11 केवी की विद्युत लाइन के ट्रांसफार्मर में अचानक से शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट होने से ही आसपास के घरों में भी करंट आने लगा। गुलाब सिंह ने बताया कि घरों में करंट आने के कारण घर में खेल रहे 3 बच्चों के पाँव में करंट आ गया, जिसके कारण 3 के पाँव झुलस गए। 3 को उपचार के लिए राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय लाकर भर्ती करवाया है, जहां पर उनका उपचार जारी है। गुलाब सिंह ने बताया कि विगत 2-3 दिन पहले भी इसी प्रकार घरों में करंट आ रहा था। इसकी शिकायत भी विद्युत विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को की गई है। क्योंकि 11,000 की लाइन है हमारे गांव में, तो 11,000 की लाइन क्या 2 दिन पहले भी शॉर्ट हुई थी और अभी फिर से वापस शॉर्ट हुई। शॉर्ट होने के कारण हमारे घर में 3-4 दिनों के करंट आ गया था, नुकसान हुआ था उससे। कृपया करके हमारे ये रिक्वेस्ट है 11,000 लाइन को बाहर गांव से बाहर दी जाए, ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे। क्या नाम है? बचाओ, मेरा नाम गुलाब है। आप क्या लगते हैं? ये मेरे परिवार भाभी है, मैं इसका ड्राइवर हूँ। श्री माहेश्वरी महिला परिषद ब्यावर की ओर से बुधवार को भादुरी तीज महोत्सव धूमधाम में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर के चांगजदार रोड स्थित श्री माहेश्वरी छात्रावास भवन में आयोजित महोत्सव में दोपहर 1 बजे से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें परिषद की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। महिला परिषद कार्यक्रम संयोजिका नीतू राठी के अनुसार भादुरी तीज महोत्सव में सत्तू सजाओ तीज क्वीन तथा भैया भाभी की पैर राखी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने आकर्षक रूप से अपना हुनर दिखाया। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं ने सावन के गीत गाते हुए आकर्षक नृत्य करते हुए कार्यक्रम का आनंद उठाया। भादुरी तीज कार्यक्रम के दौरान निःशुल्क हाउजी के साथ साथ सरप्राइज गिफ्ट भी दिए गए। इस मौके पर बेस्ट तीज क्वीन प्रतियोगिता में कीर्ति मालपानी व ऋतु जाजू ने प्रथम तथा द्वितीय स्थान प्राप्त किया। सत्तू सजाओ में नीतू काबरा तथा किरण मुंद्रा तथा भैया भाभी की राखी सजाओ प्रतियोगिता में किरण मुंद्रा तथा अंजू लाखोटिया ने प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त किया। महोत्सव के अंत में प्रतियोगिता की विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान अध्यक्ष श्रीमती मंजू तापड़िया, श्रीमती नीतू राठी, श्रीमती किरण राठी, श्रीमती संगीता पसारी, श्रीमती वर्षा तापड़िया तथा श्रीमती कुसुम डानी सहित अन्य परिषद सदस्य उपस्थित थी। भू रूपांतरण प्रकरण में 2.25 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई ब्यावर नगर परिषद सभापति बबीता चौहान को आखिर 22 दिन बाद स्वायत्त शासन विभाग ने सभापति पद से निलंबित कर दिया है। DLB की ओर से 29 अगस्त को जारी आदेशों में SEB की ओर से दर्ज FIR संख्या 223/18 का हवाला देते हुए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभापति पद से निलंबित किया है। DLB के निदेशक तथा संयुक्त सचिव पवन अरोड़ा की ओर से जारी आदेशों में सभापति का पद रिक्त होने के आदेश जारी किए हैं। सभापति का पद रिक्त होने के बाद अरोड़ा ने सभापति का पद OBC महिला वर्ग के लिए आरक्षित होने के कारण उक्त पद पर शहर के वार्ड संख्या 18 की OBC महिला पार्षद श्रीमती शशिबाला सोलंकी को कार्यवाहक सभापति घोषित किया गया है। आदेशों में बताया गया है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009
की धारा 50(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती शशिबाला सोलंकी को 60 दिन अथवा सभापति के कार्यभार ग्रहण करने तक जो भी पहले हो के लिए अधिकृत किया गया है। राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग की ओर से सभापति बबीता चौहान को निलंबित करने तथा वार्ड संख्या 18 की पार्षद श्रीमती शशिबाला सोलंकी को कार्यवाहक सभापति नियुक्त करने के आदेश जारी किए हैं। शशिबाला सोलंकी को कार्यवाहक सभापति नियुक्त किए जाने के बाद शहर में विगत 22 दिनों से चल रही तमाम अटकलों पर विराम लग गया। उधर बुधवार शाम को जो ही स्वायत्त शासन विभाग की ओर से श्रीमती सोलंकी को कार्यवाहक सभापति नियुक्त करने के आदेश जारी हुए, सोलंकी समर्थकों में खुशी की लहर छा गई। जानकारी मिलते ही सोलंकी के समर्थकों तथा भाजपा के पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाइयां देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं की। हालांकि बुधवार सुबह से ही शहर में श्रीमती सोलंकी को कार्यवाहक सभापति नियुक्त किए जाने की चर्चा जोरों पर थी। जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे की गौरव यात्रा में भाग लेने के लिए भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदनलाल सैनी बुधवार सुबह जयपुर से जेतारण जा रहे थे। बताया जा रहा है कि इस दौरान वे कुछ समय के लिए शहर के एक कच्छावर भाजपा नेता के घर पर रुके थे, जहां पर उन्होंने चर्चा करते हुए स्वायत्त शासन विभाग मंत्री से फोन पर बात करते हुए उक्त प्रकरण में शीघ्र ही कार्यवाही करने की बात कही थी। सैनी की इस चर्चा के बाद बुधवार दोपहर से ही सभापति बबीता चौहान को पदमुक्त करने तथा शशिबाला सोलंकी को कार्यवाहक सभापति नियुक्त करने की अटकलें तेज हो गई थी। बुधवार शाम को डीएलबी से निर्देश मिलने के बाद श्रीमती शशिबाला सोलंकी अपने समर्थकों के साथ विधायक शंकर सिंह रावत के सेंदा रोड स्थित कार्यालय पहुंची, जहां पर श्रीमती सोलंकी ने विधायक को धोखा देकर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर विधायक ने उनका स्वागत करते हुए माला पहनाकर बधाई दी। इस दौरान उपसभापति सुनील मुंद्रा, बूथ प्रभारी सागर सिंह, मंडल अध्यक्ष दिनेश कटारिया, जयकिशन बलदुआ, ऋषभ चंद खटोट, विष्णु शर्मा, प्रवीण जैन, मुरली तिलोकानी, मनीष भंसाली, प्रीति शर्मा, नरेश कनौजिया, राधेश्याम प्रजापति, सुभाष राठी, सतवीर सिंह संतु, मनीष बुरर, चंद्रशेखर सोलंकी, विनोद खाटवा, लेखराज कवरिया, ललिता जालान, इंदु शर्मा, तारा सोनी सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थी। इस दौरान नवनियुक्त कार्यवाहक सभापति श्रीमती शशिबाला सोलंकी ने प्रदेश नेतृत्व का आभार जताते हुए 36 कौम को साथ लेकर चलते हुए शहर हित के कार्यों को पूरा करवाने तथा शहर में विकास की गंगा बहाने की बात कही। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो मेरे पर विश्वास जताया है, वे उस पर विश्वास पर खड़ा उतरने का प्रयास करूंगी। इस दौरान विधायक शंकर सिंह रावत ने भी प्रदेश नेतृत्व का आभार प्रकट किया। ब्यावर नगर परिषद के अंदर सभापति महोदय के रूप में हमारे राजस्थान सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने वापस जो है बेंच शशि जी का चयन किया है। ये कार्य में समय जो लगा है वो इसलिए कि जब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, बहुत दिन पहले जब मंत्री जी से सप्ताह भर पहले बात हुई थी, तभी भी उन्होंने ये कहा कि अभी देरी इसलिए हो रही है। कई लोग ये कह रहे थे साहब हम हड़ताल करेंगे, वो करेंगे, ऐसा नहीं है। सरकार का काम सारा विधिवत रूप में, इसमें जब तक एसीडी की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक वो कोई भी मंत्री उसका आदेश नहीं निकाल सकता। ये मंत्री जी ने इसलिए देरी उस बात को अभी मतलब लोग दूसरी तरह से बुरा नया काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो भी घटनाक्रम हुआ है वो सबके सामने है और उसकी सच्चाई क्या है अपने आप जांचें हो रही है, जांचों के अंदर सारा खुलासा। मुझे यदि दायित्व दिया गया है तो मैं इसी मूल मंत्र पर और इसी आदर्श की पालना करूंगी और मेरे ब्यावर का विकास जन्म सीमा से भी आगे बढ़े, यहाँ की जो मूलभूत आवश्यकताएं वो पूरी हो, इसके लिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कर्मठ प्रयास करेंगे। शहर के जो सार्वजनिक कार्य हैं उनको ही फर्स्ट अहमियत दी जाएगी और सभी विकास कार्यों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा और कार्य किया जाएगा। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका।
शहर में फ्यूचर प्लानिंग के नाम पर डाली गई सीवरेज लाइन कार्य अब तक लोगों के लिए दुविधा बना हुआ है। प्रशासन की अनदेखी के कारण लाइन डालने के नाम पर खोदी गई सड़कों को पूर्ण रूप से दुरुस्त नहीं किया गया है, जिसके कारण शहरवासियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर तो क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करने के नाम पर केवल मिट्टी डाल दी गई, जो हल्की सी बरसात में बहकर चली गई और सड़कों के गड्ढे फिर से ताजा हो गए। कई जगहों पर तो दो पहिया वाहन चालक इन खड्डों में गिरकर हादसों का शिकार हो चुके हैं। प्रशासनिक शिथिलता तथा अनदेखी को लेकर शहरवासियों ने नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया है। मालूम हो कि शहर में अमृत योजना के तहत सीवरेज लाइनें डाली गई है। योजना के तहत शहरी क्षेत्र की गलियों में सड़क के बीचों बीच सीवरेज लाइन की पाइपलाइन डाली गई है। ठेकेदार के मार्फत नगर परिषद की ओर से करवाए गए कार्य में जिस गली मोहल्ले में सीवरेज लाइन डाली जानी थी, उस गली मोहल्ले की सड़कों को दुरुस्त करवाने के बाद ही अगली गली में सीवरेज लाइन डालने का काम शुरू करने की शर्त थी, लेकिन शहर के प्रत्येक गली की सड़कों को खोद दिया गया और आधे से ज्यादा शहर की सड़कों को अब भी दुरुस्त नहीं किया गया है। हालात यह है कि सड़क के बीच में डाली गई सीवरेज लाइन के बाद जगह जगह चैम्बर बना दिए गए हैं और सड़क में खड्डे होने के आकार दोपहिया वाहन चालकों के साथ साथ पैदल राहगीरों का निकलना भी दूभर हो रखा है। शहर के शाहपुरा मोहल्ला क्षेत्र के निवासियों को क्षतिग्रस्त सड़क को लेकर नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताते हुए क्षतिग्रस्त सड़क को शीघ्र ही दुरुस्त करवाने की मांग की है। इस संदर्भ में क्षेत्रीय पार्षद भरत बाघमार ने भी नगर परिषद प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि इस बाबत कई बार नगर परिषद प्रशासन को अवगत करवाया गया, लेकिन आज तक इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जैसा कि सारा शहर खोद दिया गया है सुविधा के नाम पर, लेकिन पब्लिक के लिए बहुत ही भारी समस्या हो गई है साहब। और ये जो हमारी ये चांगेट से जो सड़क जा रही है परकोटे के अंदर की सबसे व्यस्ततम सड़क है, जहाँ पे दो बालिका महाविद्यालय हैं, तकरीबन 10 स्कूलें जुड़ी हुई है, जहाँ के बच्चे यहाँ आवागमन कर रहे हैं। और जो फोर व्हीलर के लिए यही रास्ता एक किया गया है, क्योंकि पाली बाज़ार जो हमारा है उसमें पाबंदी है, तो इतना ट्रैफिक का दबाव होने के बावजूद भी इस सड़क की कोई सुध नहीं है। इस सड़क की हालत देखिए आप, ये सड़क सीवरेज के नाम पर पूरी तरह से खोद दी गई है। जगह जगह से पूरी सड़क को छलनी कर दिया गया है। आज से 4 महीने हो गए हैं सीवरेज के नाम पर सड़क खोद कर और ये खड्डे छोड़ दिए गए हैं। ऊबड़ खाबड़ मिट्टी रखी गई है, ना तो इनको प्लेन किया गया है और ना ही सड़कों को खड्डे वापस भरे गए हैं। जबकि सरकार के निर्देश होते हैं कि जो कंपनी ठेका लेती है उसको 7 दिन के अंदर, ठेका प्रथा के अंतर्गत 7 दिन में नदी ये जो खड्डे हैं सड़कों के ये खोदे जाए, पाइप लाइन डाली जाए और वापस इनके ऊपर सीमेंट की कंक्रीट करके लेवल किया जाए, ताकि आम जनता को सुचारू रूप से आवागमन में कोई बाधा नहीं हो। जो सीवरेज लाइन बिहार में डाली गई है, हमारे चांदगेट के अंदर भी साइप्रा मोहल्ला मार्ग की तरफ डाली गई है, करीब 4 महीने हो गए हैं और मेन हाईवे रोड है, लेकिन अभी तक न तो उसका मेंटेनेंस किया है, न उस पर सड़क का निर्माण किया है। काफ़ी लोग यहाँ आके गिरते हैं, पड़ते हैं और बहुत परेशानी रहती है। बार बार शिकायत करने के बाद भी सीवरेज लाइन की कोई व्यवस्था ढंग से नहीं की गई है। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के निर्देश पर एसडी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव प्रक्रिया जारी है। चुनाव में एबीवीपी तथा एनएसयूआई के छात्र प्रत्याशी चारों पदों के लिए चुनाव मैदान में है। चुनाव को लेकर महाविद्यालय प्रशासन की ओर से भी सभी प्रकार की तैयारियां की जा रही है। 31 अगस्त को होने वाले मतदान में महाविद्यालय के 4051 छात्र छात्रा मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इन छात्र छात्रा मतदाताओं को महाविद्यालय प्रशासन की ओर से परिचय जारी करने का कार्य वर्तमान में जारी है। विद्यार्थियों को फोटोयुक्त परिचय पत्र जारी किए जा रहे हैं, ताकि मतदान के दौरान किसी प्रकार की परेशानियों से नहीं गुजरना पड़े। महाविद्यालय में परिचय पत्र प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की भीड़ प्रतिदिन उमड़ रही है। महाविद्यालय प्रशासन से जारी निर्देशों के अनुसार मतदान के दौरान बिना परिचय पत्र के किसी भी विद्यार्थी को मतदान नहीं करने दिया जाएगा। महाविद्यालय प्रशासन की ओर से गुरुवार शाम 5 बजे तक परिचय पत्र जारी किए जा सकेंगे। इसके बाद किसी भी सूरत में परिचय पत्र जारी नहीं किए जा सकेंगे।
शहर के छावनी फाटक बाहर डुंगरी रोड पर अज्ञात चोरों ने मंगलवार रात्रि में दो दुकानों पर चोरी की वारदात को अंजाम देकर हजारों रुपए का सामान चुरा ले गए। चोरी की वारदात की जानकारी दुकानदारों को बुधवार सुबह दुकान खोलने के दौरान हुई। पीड़ित दुकानदारों ने संदर्भ में सिटी थाने में लिखित शिकायत दी है। शिकायत के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना करते हुए अज्ञात चोरों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार अज्ञात चोरों ने मंगलवार रात को डुंगरी रोड स्थित तमन्ना रेस्टोरेंट तथा शेख वेल्डिंग वर्क्स की दुकान के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान चोर तमन्ना रेस्टोरेंट के यहां से दो लोहे के काउंटर चुरा ले गए। दुकानदार जितेंद्र दगदी ने बताया कि चोरी किए गए दोनों काउंटरों की कीमत करीब 12,000 रुपए है। इसी प्रकार शेख वेल्डिंग वर्क्स के यहां से चोर करीब 25,000 से 30,000 रुपए का लोहे का सामान चुरा ले गए। दुकानदार इब्राहिम ने बताया कि अज्ञात चोर दुकान के पीछे से घुसे तथा सामान चुरा ले गए। शहर के डुंगरी रोड पर अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिए जाने के कारण पुलिस की रात्रिकालीन गश्त की पोल खुल गई है। हाँ, तो ये कम से कम 20-25,000 का सामान था। दो तो दूर थे और दो ट्रैक्टर के वो साइड के डालों के पाटे थे और दो एक एंगले थी चैन ले। एक काउंट दो दो काउंटर था। एक तो यहाँ लगा हुआ था और एक यहाँ लगा हुआ था। दोनों कल रात को गायब हो गए। 12,000 सेकेंड हैंड लिए थे मैंने, जो 12,000 रुपये कहते हैं लमसम। आमजन में विश्वास के स्लोगन को सार्थक करने के मकसद से राजस्थान पुलिस की पहल ब्यावर शहर थाने में शुरू कर दी गई है। पुलिस आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पुलिस अब गली मोहल्ले में जाकर लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित कर रही है। पुलिस आपके द्वार योजना के तहत पुलिस अब हर मोहल्ले के लोगों के पास जाकर संवाद स्थापित कर रही है, ताकि खुद आम लोग भी खुद को सुरक्षित समझ सके और भयमुक्त वातावरण में रह सके। इसी कड़ी में बुधवार को शहर के चांगचता रोड स्थित एचएल पैलेस में पुलिस आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया। एएसपी ग्रामीण अजमेर पुष्पेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में वार्ड संख्या 6, 7, 27 व 28 के क्षेत्रवासी तथा जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान उपस्थित क्षेत्रवासियों ने शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू करने तथा रात्रिकालीन गश्त व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की मांग की। बैठक में उपस्थित जनजागरण मंच के अध्यक्ष राम सहाय शर्मा ने कसाबान मोहल्ले में मटन विक्रेताओं की दुकानों के आगे रखे हुए मुर्गियों के पिंजरों को हटवाने तथा मीट को ढककर रखवाने की व्यवस्था करवाने की मांग की। इस दौरान एएसपी चौधरी ने आसपास के दुकानदारों को अपने अपने प्रतिष्ठान के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कही, ताकि चोरी की वारदातों पर अंकुश लगा सके। बैठक के दौरान सिटी थाना अधिकारी रविंद्र प्रताप द्वारा बीट कांस्टेबल तेजमल चौधरी, एएसआई ओम प्रकाश, संजय चौधरी, सुखपाल चौधरी, पार्षद मंगत सिंह मोनू, सोहन मेघवाल, गुरुबच्चन सिंह, हेमंत कुमावत, कमल तुनगारिया, राम सहाय शर्मा, गौरव सक्सेना, नितेश कोयल, राम पंजाबी, सतवीर सिंह संतु, गीता प्रजापति, कमल किंगर तथा शोभा चौधरी सहित अन्य क्षेत्रवासी उपस्थित थे। शहर में बुधवार को महिलाओं ने भादुड़ी तीज पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तीज पर्व के अवसर पर महिलाओं ने विभिन्न रंगीन परिधानों में सज धज कर सोलह श्रृंगार किए। इस दौरान महिलाओं ने सुभाष उद्यान सहित अन्य रमणीय स्थानों पर झूले झूलते हुए तीज के गीत गाए तथा नृत्य करते हुए पर्व का आनंद उठाया। महिलाओं ने बन्नारे बागा में झूलिया, म्हारी घूमर चनकराली तथा आयो तीज रो त्योहार जैसे राजस्थानी गीतों पर नृत्य भी किया। राजस्थानी पर्वों में तीज के पर्व का विशेष महत्व है। श्रावण तथा भादवा मास में मनाए जाने वाले तीज के पर्व पर अलग अलग आयोजन किए जाते हैं। भादुड़ी तीज के मौके पर महिलाएं दिन भर व्रत रखती है। इस मौके पर नवविवाहित युवतियों के पीहर से सत्तू के लड्डू तथा उपहार भी आते हैं। महिलाएं शाम के समय सत्तू के लड्डू खाकर व्रत खोलती है तथा अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है। सावन उतरता बेगा आई जो सजू सुलासी निगारे
स्वायत्त शासन विभाग की ओर से सभापति बबीता चौहान को बुधवार शाम को डीएलबी की ओर से निलंबित किए जाने के बाद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से 1 सितंबर को किए गए ब्यावर बंद के आह्वान को वापस ले लिया गया है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय शर्मा ने बताया कि आखिरकार भ्रष्ट सभापति को डीएलबी ने निलंबित कर दिया है, इसके लिए डीएलबी के फैसले का स्वागत करते हैं। शर्मा ने बताया कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से किए गए आंदोलन की जीत हुई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दबाव के बाद ही सभापति चौहान को लंबित किया गया है। शर्मा ने कहा कि शारहित के कार्यों में कांग्रेस जन नव नियुक्त कार्यवाहक सभापति के साथ है। शारहित के कामों के लिए वे सदैव सहयोग करते रहेंगे। डीएलबी की ओर से सभापति चौहान को निलंबित किए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एकजुटता की जीत बताते हुए बुधवार को शहर के चांगेट पर जीत का जश्न मनाया गया। इस मौके पर चांगेट पर एकत्रित हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करते हुए कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद तथा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय शर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। भाद्रपद महीने में बादलों ने बरसकर गाया राग मल्हार। सुबह से लेकर दोपहर तक हुई बरसात के बाद मौसम हुआ खुशनुमा। कायाकल्प योजना के तहत राजसमंद चिकित्सालय की टीम ने किया एकेज का निरीक्षण। विभिन्न वार्डों सहित रोगी सेवाओं का बारीकी से किया अवलोकन। शहर में सुविधाओं के नाम पर डाली गई सीवरेज लाइन को लेकर खोदी गई सड़कें। लाइन डालने के बाद भी अब तक दुरुस्त नहीं हुई क्षतिग्रस्त सड़कें। और रिश्वत प्रकरण में गिरफ्तार सभापति को डीएलबी ने किया निलंबित। 21 दिन बाद शशिबाला सोलंकी की कार्यवाहक सभापति के पद पर हुई ताजपोशी।